हे hey गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जिसका नाम है क्या है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्या नाम है सर, मजा आ गया। बराबर ना गाइस, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका काफी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस दो अटेम्प्ट से कंटिन्यू आईसीआई ने पहला क्वेश्चन यही पूछा है। तो समझिए, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन 5 मार्क का और आपको मिलता है AS 22। तो अब हो सकता है कि बच्चे ये सोचे कि शायद दो बार आ चुका है, इसके लिए ना आए। तो आईसीआई भी यही सोचती है, इसके लिए हो सकता है कि थर्ड टाइम भी आईसीआई आपको सेम क्वेश्चन डाल दे। समझ में आया ये वाला? और ऐसे भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहले था ग्रुप 1 में, अब आया ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 में भी काफी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बिलीव मी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी काफी ज्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो एंड तक आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और आप एग्जाम में आराम से सम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका नाम है इसका AS 22 और इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो पहला क्वेश्चन, इस नाम को समझते हैं, इसमें है क्या चीजें। पहला वर्ड दिया है टैक्सेस। मतलब सर एक बात बताइए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये पर्टिकुलर कौन से टैक्स के बारे में बात करता है? क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे इंडिया में टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? अब इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स में भी आप देख लो, इनडायरेक्ट में देख लो, आपको वैरायटीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, GST, पहले था VAT, सर्विस टैक्स, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स आपका, उसके बाद CDD, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, DDT आप जिसे भी बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स, इस तरह से पता नहीं कितने सारे इंडिया में टैक्सेस है। तो जो हम बात करेंगे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक टैक्स की, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। किसकी बात करने वाले अपन? डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया? तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। डन। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि IT, इनकम टैक्स, राइट? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सर, एक दे रखा है इनकम, मतलब ये कौन सी इनकम? बिकॉज हमने तो DT में पढ़ा है कि इंडिया में भी इनकम होती है और आउटसाइड इंडिया भी होती है। तो इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप कौन से इनकम की बात कर रहे हो? तो मैंने बोला इन इंडिया। बस सर, इन इंडिया? मैंने बोला नहीं, एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। इसका मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे इनकम की जो आपने या तो इंडिया में कमाई है या आपने इंडिया के बाहर कमाई है। फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी का ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, तो अपन फॉरेन में इनकम कमा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी AS 22 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? और हम कौन से टैक्स की बात करेंगे? ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स, मतलब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। सर ये तो मतलब तो समझ में आ गया हमको। अब ये बताइए, ये AS आया क्यों? क्योंकि आप हमेशा हर AS में बताते हो कि ये AS क्यों आया, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के पीछे रीजन क्या था। तो सुनिए फिर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया, बट उससे पहले आपको एक चीज पता होगी और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एक होता है प्रॉफिट, राइट, या इनकम, एक होती है अकाउंटिंग इनकम। कौन सी होती है? अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट? तो मैंने लिख दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट। और एक होता है आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला बिल्कुल, जो लोग ग्रुप 1 में है उनको पता होगा हम पढ़ते हैं अकाउंट्स, राइट? जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो क्या है? अकाउंट्स। तो जो चीज आपको जुजार सर पढ़ाते हैं बेटा वो क्या है? अकाउंट्स। और अपने इधर एक सर है, बहुत प्यारे सर है, नाम है उनका दर्शन ओझा सर। क्या नाम है उनका? दर्शन ओझा सर। वो बहुत प्यारे है, ठीक है? तो वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं टैक्स, और बिलीव मी काफी अच्छा टैक्स पढ़ाते हैं वो, ठीक है? अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अपने CA हब के चैनल पे आपको मिल जाएंगे टैक्स के कुछ लेक्चर, आप जाके देख सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दर्शन सो बना दिया। अरे थोड़े पतले हो गए, थोड़े मोटे कर लेते हैं उनको। चलो चलो चलो, तो ये देखिए, ये अपने दर्शन सर है, इनको थोड़ा सा, हाँ ये आ गए अपने दर्शन सर, राइट? ये पढ़ाते हैं टैक्स। क्या पढ़ाते हैं आपके? टैक्स पढ़ाते हैं, राइट? तो अभी सुनिए, दर्शन जो अपने टैक्स पढ़ाएंगे तो उसमें क्या आता है? सर इनकम टैक्स एक्ट आता है और उसमें इनकम टैक्स के हिसाब से चीजें होती है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो नॉर्मली अपन जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल है प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखा अपन ने? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा। सपोज करो 1 लाख रुपए,
उसमें से मैंने मान लो एक चीज माइनस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, क्या माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन, और मैंने लिख दिया 30,000 का डेप्रिसिएशन, देन ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट 70,000 मान लेते और कुछ भी नहीं है, बस है जो यही है, सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट राइट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट राइट। हाँ जी, अब ये तो मैंने बता दिया, अब दर्शन सर क्या करते हैं पता है, जब भी टैक्स पढ़ाएंगे तो एक पढ़ाते हैं पीजीबीपी, बिजनेस प्रॉफिट है प्रोफेशन हेड राइट, तो उसमें दर्शन सर क्या करते हैं, बोलते हैं ये जो नेट प्रॉफिट जुझार सर ने लिया है अकाउंटिंग वाला, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो रॉन्ग किया है। तो बोलते हैं कि आपको एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन अलाउ है वो सिर्फ 20,000 रुपए, कितना अलाउड है सपोज 20,000 रुपए, इसका मतलब आपने 30,000 का क्लेम किया तो आपने 10,000 एक्सेस क्लेम किया, तो दर्शन सर बोलते हैं ऐड करो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीजें टैक्स में अलाउड नहीं होती है, तो इस तरह से यहाँ पे 80,000 रुपीज आ गया। अब मुझे सोचिए बताओ कि जो प्रॉफिट मैंने दिखाया है और जो दर्शन सर ने दिखाया है क्या वो इक्वल है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है, ठीक है, जो लोग ग्रुप वन में पढ़ रहे हैं टैक्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा पीजीबीपी में बहुत सारी चीजें अलाउड और डिसअलाउड होती है, तो उस डिसअलाउड इनकम और एक्सपेंस को एडजस्टेड करते हैं एंड देन जो आपको मिलता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं उसे टैक्सेबल प्रॉफिट, और उसके ऊपर टैक्स लगता है राइट, आई एम राइट और रॉन्ग राइट, यस। तो यहां पे देखिए मैंने दिखाया 70,000, दर्शन से दिखा रहे 80,000, अब जो टैक्स है वो भी तो अलग आएगा, तो अब देखिए मेरा जो टैक्स आएगा रियल में भरने को वो कितना आएगा आप बताइए सर, अपना जो टैक्स आएगा वो आएगा मान लो 30% का रेट है, इन दैट केस 24,000 का टैक्स भरने को आ रहा है राइट, कितना आ रहा है 24,000 का। अब आपको पता होना चाहिए जब मैं यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस लेस करता हूँ बिकॉज ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो बेटा मैं कितना करूंगा, जितना मुझे भरने को आ रहा है, कितना मुझे भरने को आ रहा है 24,000, मैंने 24,000 यहाँ पे लेस कर दिया, देन जो भी बच गया वो मेरा आंसर होएगा। अब मुझे आप सोच के बताओ कि कोई अनपढ़ गवार है, ठीक है, जिसने टैक्स नहीं पढ़ा है, जिसने अकाउंटिंग भी अच्छे से नहीं आता और वो ये देख रहा है, तो वो कह रहा है अच्छा जीपी इतना है, डेप्रिसिएशन इतना, माइनस का नेट प्रॉफिट इतना आया, बट मान लो उसको पता है कि टैक्स का रेट 30% है, ठीक है, या कुछ लोग पढ़े लिखे गवार भी होते हैं, सर ये पढ़े लिखे गवार कौन से, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज तो है बट मान लो टैक्स का नॉलेज नहीं है, इन दैट केस उनको एक चीज आती है सर 70 का प्रॉफिट है 30% का क्या है टैक्स एक्सपेंस है, तो कितना आ गया 21,000 होना चाहिए थे, आपने तो 24,000 लिखा है, तो गलत लिखा है क्योंकि 70 का 30% होता है 21,000 रुपए, 21,000 रुपीज, बट आप दिखा रहे हो 24,000 रुपीज, क्या पागल लोग है, मल्टीप्लाई करना तक नहीं आता, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा ऐसा, समझ में आया, और बोलेगा दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या बोलेगा दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अब बताओ ये तो अपना हिल जाएगा अकाउंटिंग का सिस्टम, सामने वाला अपने ऊपर ऐसा समझेगा फेक कर रहा है, अपने ऊपर शक करेगा, क्या ये सही होगा, सोच देखिए क्या ये सही है, आंसर इज नो। अब क्या किया जाए, बस यही चीज यही डिफरेंस को सही करने के लिए आपका आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, वो आपको बताएगा कि देखो अब मैं इसको ऐसे करूंगा कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जो 24,000 आया है वो एक्चुअल में कैसे आया है और उसमें क्या प्लस माइनस किया क्या माइनस किया सब वो आपको पता चलेगा। बोले क्या ये आपको समझ में आया, ये जो डिफरेंस है बस इसी डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए क्या आया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आया है, इसको कैसे डिस्क्लोज करना है क्या दिखाना है वो सब आपको पूरा बताएगा AS 22 बताएगा। बोले क्या यहां तक आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया बताइए मुझे, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर आप चाहते हैं पूरा लेक्चर देखना तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए, ये पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे सिर्फ 299 में, मतलब ये लेक्चर नहीं, साथ में आपको मिलेगा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोर्स जो आपका कवरेज करता है 25 to 30 marks, यस 25 to 30 marks आपका कवर करता है, और ये आपको मिलेगा सिर्फ 299 में, मतलब एक तरह से फ्री है, जस्ट सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ओके जो हम ले रहे हैं वो क्या है सिर्फ सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, तो आप देख सकते हो 299 में आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा गाइस, और बिलीव मी 299 बड़ी बात नहीं है, आप जाते हो नाश्ता करते हो चाय पानी करते हो उसमें हो जाता है, तो गाइस अभी जाइए और परचेस कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको नोट्स जो है वो ई फॉर्म में मिलेंगे, तो आप जाना उसको प्रिंट आउट निकाल देना आराम से आप पढ़ सकते हो, सारे के सारे ICAI के मॉडल के क्वेश्चन कवर है सारे के सारे, ठीक है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा बाद में, सो डोंट वरी, साथ में आपको फुल टेस्ट भी मिल जाएगा इसके अंदर,
तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है सिर्फ 299 में। अगर आप दोनों ग्रुप लोगे तो सिर्फ ऑनली ऑन 500 गाइस, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी जाइए और परचेज कर लीजिए, रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, तो अभी तक तो बच्चे सारे ही खुश रहे, तो डेफिनेटली आप भी इसको लव ही करोंगे, प्यार ही करोंगे। तो गाइस चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।